Sameeksha Sud, thank you for being in Why Not You. How did it start? Leaving my acting TV career and starting social media. ये इसके लिए सब लोगों ने मुझे मना किया था. Like what is social media? हंसते थे सब लोग मेरे ऊपर. मतलब literally legend हंसते थे. Content बना के रिप्लाई दिया हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं. मैंने कहा मेरा काम जवाब देगा. मेरा कंटेंट जब मैंने चालू किया था कंटेंट, उस टाइम पे कंटेंट कुछ और था. आज के टाइम में मैं कंटेंट कुछ और कर रही हूँ बिकॉज सोशल मीडिया सिर्फ 10 दिन की कहानी है. अगर आज आपने तौबा तौबा नहीं बनाया तो 15 दिन बाद वो वीडियो का उतना वैल्यू नहीं रहेगा. कोई इंसिडेंट हुआ था बिग बॉस हाउस में. हाँ, अभी इफ यू कैन शेयर, पुट सम लाइट इनटू द डार्कनेस. बहुत ही बकवास और वाहिया चीज़ हुई है. मेरा दोस्त है, एक कंटेस्टेंट ने जो है उसके ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया उसको. बट द रूल्स शुड बी रूल्स ना. सर रूल्स, बट ऑफ कोर्स अभी बेंड हुए हैं रूल्स. अब उसको नहीं निकाला गया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही इज आल्सो गिविंग सम टीआरपी. Namaskaram, good evening, good afternoon, good morning to wherever you are. You must be enjoying this podcast, and we have another beautiful, very charismatic new personality. I will say you must be knowing her, Sameeksha Sud. I have to start with the name because we have been waiting for this for a long time, from the day one. In fact, even when we did the first podcast, she was in our list, and we said whenever she's going to be there. यार इट्स गोइंग टू बी लॉट्स ऑफ फन बिकॉज शी इज लॉट्स ऑफ फन. आप लोग इंस्टा सोशल साइट्स वगैरह में भी देखे होंगे, आपने टीवी शोज में देखे होंगे, इतने सारे शोज भी किए हैं आप. यार इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. समीक्षा सू, थैंक यू फॉर बीइंग इन वाई नॉट यू. हमारा इतना सा शुरुआत किया है तो आपको, आपने भी शुरुआत बहुत अच्छी तरह की है और आई थिंक बलवीर से शुरुआत किया है. करेक्ट. बट वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे. बट हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग ग्रेट. और सबसे पहले थैंक यू मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे. बिकॉज नहीं, इट इज़ माई प्लेजर टू बी हियर. आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ लाइक दिस स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब लाइक दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू. सो न्यू बॉल बॉलर ना, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आई बॉल द न्यू बॉल, सो something new for something you, so new yeah, for thank me. You very much. So हमारे शो का नाम एक और बार बोलूँगा, why not you? अगर you know if you can then why not me, why not them? What was that one thing you got inspired from the starting? सबसे पहले आपका सबसे पहले इंस्पिरेशन कौन था और अभी आपका इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक काफ़ी जो नॉर्मल लोग होंगे उससे मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि मेरा इंस्पिरेशन जो है वो एक्चुअली हार्ट ब्रेक था. ओके, नाइस. लोगों का कुछ कुछ रहते होंगे कि भाई इनको देखा, उन्हें देख के इंस्पायर हुए, तो मेरा हार्ट ब्रेक था. तो कॉलेज फर्स्ट ईयर मेरा दिल टूटा और उसके बाद मुझे लगा कि यार लाइफ के साथ कुछ करना है. इंटरेस्टिंग. अभी तो नहीं, मतलब आई वाज लाइक एम्बिशियस, ऐसा नहीं था, बट एकदम फोकस्ड जो हूँ मैं उसके बाद ही हुई जब मेरा फर्स्ट हार्ट ब्रेक हुआ. दैट्स इट. मतलब पहली बार किसी लड़के ने मेरा दिल तोड़ा था. And that's it. मेरा हाथ जोड़ दिए. Thank you very much. तो अभी वो लड़का regret कर रहा होगा. Hopefully. No, we believe. इधर हम लोग ना बोलते कि hope नहीं करेंगे, believe करेंगे. Believe करेंगे. तो मुझे लगता है यार कहीं भी हो यार, God bless you, all the very best. मुझे लग रहा है. Yes, definitely. And he is like blessing in disguise for me because. Like the way you said. क्योंकि अभी तो वो क्या वो सोचता होगा क्या ये बहुत छोटी बात हो गई मेरे लिए, बिकॉज बहुत अच्छी तरह आपने बोला बहुत छोटी बात हो गई अभी. हाँ, वो बहुत पीछे कहीं छूट गया वो, बिकॉज अभी तो मतलब किक स्टार्ट जरूर उससे मिली थी बट उसके बाद मैं कहाँ अभी मतलब आगे पहुँच चुकी हूँ और उसको बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ. तो उस टाइम पे जैसे आपने बोला वो इंस्पिरेशन था, बट आपने किसी के साथ डिस्कस किया कि मुझे जैसे कि अगर आप टेलीविजन में आए, बट सबसे पहले जब आपने डिसाइड किया कि ये करना है, तो सबसे पहला आपने क्या किया था? सबसे पहला वो स्टेप, कदम. मैंने मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ और मैंने आज तक भी कभी कोई एक्टिंग क्लास कभी ज्वाइन नहीं करी, कुछ कहीं से सीखा नहीं है. सो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं मंडी हाउस, दिल्ली में आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, सो मैं मंडी हाउस रहती थी. तो मेरे घर के पीछे ही फिक्की ऑडिटोरियम है ना, वो वाली लेन में हमारा घर था. तो मेरे घर के पीछे ही बड़ा सा गार्डन है और वहाँ पे एक्टर्स आके जो स्ट्रगलिंग वाले होते हैं ना वो आके जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, हार्ड वर्किंग करेक्ट, हार्ड वर्किंग जो है वो आके जो है वो प्रैक्टिस करते थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना एक्ट दिखा रहे हो। मैं उनको खिड़की से मेरी देखती रहती थी कि यार ये कितना मेहनत करे, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, ये लोग अपने रिहर्सल्स करे थिएटर्स के लिए अपने, और शायद ऐसा हार्डवर्क मैं भी कर सकती। उन्हें देख के फर्स्ट टाइम ऐसा लगा। फिर मेरा जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई जिसमें आई वॉज नॉट द एक्टर, आई वॉज द असिस्टेंट डायरेक्टर। वाह, एडी से शुरुआत। हाँ, अच्छा है। तो बहुत एक्टर्स हैं जो एडी से शुरुआत करते हैं और बहुत आगे निकलते हैं। फिर मेरी कहानी बड़ी डिफरेंट थी। सो जो एक्टर थे ना तो उनको मुझे डायरेक्टर ने बताया था, और डायरेक्टर भी मेरे सीनियर ही थे, ऐसा कोई नहीं, कोई डायरेक्टर मेरे सीनियर ही थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अच्छा इसको जाके एक्टर को समझा कि ऐसे 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 करना है। तो अभी एक टेक हुआ, दो टेक हुआ, तीन टेक हुआ, चार टेक हो गया, पांच टेक हो गया। तो मुझे डांटे, तो समझा नहीं रही है क्या उसको ठीक से? मैंने कहा नहीं मैं समझा रही हूँ। तो ना अब मैं उसके पास गई, मैंने उसको प्रॉपर एक्ट करके दिखाया, ऐसा करना है। तो डायरेक्टर जो थे हमारे सीनियर उन्होंने बोला एक मिनट वापस कर। अच्छा ओके ठीक है। फिर मैंने वापस किया, एक काम कर उसको हटा तू ही कर ले। So that's how I got my first. This is nice. Yeah, that's how I got my first short film, and that's where I knew कि अच्छा मैं कर सकती हूँ एक्टिंग। मतलब ये भी एक कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, ये मुझे लोगों ने बताया। तो उसके बाद बलवीर आए। हाँ जी। वो बलवीर का दैट व्हाट वाज द जर्नी लाइक, हाउ डिड दैट हैपन? ये जो मैंने फर्स्ट शॉर्ट फिल्म करी वहाँ से बालवीर का जर्नी को काफ़ी टाइम लगा, 3-3.5 साल लग गए। Okay. मुझे बालवीर तक पहुँचने में टाइम कैसे? बहुत वो था, डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि मतलब बहुत लोगों ने हाइप कर दिया क्योंकि मेरी शॉर्ट फिल्म चल गई थी और कुछ जो है वो कंपटीशन जीत गई थी। तो हमारे कॉलेज का बहुत नाम हो गया था, तो उसके साथ nice. मेरा एज एन एक्टर नाम हो गया था थोड़ा कि ये अच्छा करती है एक्टिंग। तो ऐसे सब कॉलेज वाले लोगों ने हाइप कर दिया कि भाई तुझे एक्टिंग करनी चाहिए। पेरेंट्स ने बोला, पेरेंट्स मेरे स्टार्टिंग से सपोर्टिंग थे, तो उन्होंने बोला भाई एक्टिंग करनी है, जब ठाने लिया है तो फिर जाओ मुंबई। तो फिर मैंने कॉलेज के साथ साथ ही जो है मैं मुंबई शिफ्ट हो गई, और मेरी मॉम मेरे साथ शिफ्ट हुई। नाइस, मां को प्रणाम। हाँ क्योंकि जितना मेरा हार्डवर्क है उससे कहीं ज़्यादा मेरी मॉम का हार्डवर्क रहा। मैं यहाँ शिफ्ट हो गई और मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मैं बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे तो जाते ही काम मिल जाएगा। मैं दिस वाज माय फीलिंग कि मुझे लगता था कि यार ये मतलब मैं सीरियल देखती थी या कुछ देखती थी, यार हाँ यार ऐसे तो मैं भी परफॉर्म कर ही लूँगी, ये तो मैं भी कर ही लूँगी। और मैं पहुँची यहाँ पे, मैंने ऑडिशन दिए, कम से कम 1000 ऑडिशन दिए होंगे सीरियसली। हाँ। तो हम लोग ना सिर्फ झोला लेके चलते थे अपना, ये आरामनगर की गलियों में। उसमें एक झोले में वेस्टर्न कपड़े रहते थे, एक में इंडियन। तो जो ऑडिशन जहाँ जैसा ऑडिशन है वहाँ पे इंडियन कपड़े पहने, इंडियन ऑडिशन दे दिया, वेस्टर्न पहने, वेस्टर्न दे दिया। तो ऐसा हमारा चलता था। तो, हाँ बहुत। फिर फाइनली जाके बालवीर क्रैक हुआ। और बालवीर का भी ये था कि उसमें ना अलग अलग परियां होती थी, मतलब उसमें आई थिंक 11-12 परियां थी। Okay. तो उसमें से एक परी के लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया, और मैं सबसे छोटी थी उस टाइम उम्र में, जब बाकी परियों में बाकी सब मेरे से सीनियर थे, मैं सबसे छोटी थी उसमें। और मैं जब ऑडिशन भी देने गई थी तो इतना हैवी मुझे पहना दिया कपड़ा और ज्वेलरी और ये वो। तो उसमें ना 2-3 परियों का ऑडिशन था। हाँ वो सब बट पंख वंख और टियारा वियारा एंड हैवी ड्रेस एंड एवरीथिंग। तो 3-4 परियां थी जिनका मैंने ऑडिशन दिया था। तो उसमें से एक डरी परी थी जो मेरा कैरेक्टर था, जो जिसके लिए मैं सेलेक्ट हुई। और वो मुझे मिला कैसे, जो मुझे लगता है एक्चुअली मुझे नहीं पता कि कैसे मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर सामने बैठे थे ना उन्हें देख के लग रहा था कि मैं बहुत डर रही हूँ। मतलब मैं इतना हैवी पहन लिया है और ये, और मैं थोड़ी सा ऐसा डर रही थी। तो उनको सब ऑडिशंस में मेरे डरी परी वाला ऑडिशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। नाइस। तो मुझे इस तरीके से डरी परी का कैरेक्टर मिल गया। बट डरी परी के बाद मैंने शो किया था जी का डोली अरमानो की, जहाँ से फिर मुझे रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। डरी परी का ऐसा था कि बच्चे पहचानते थे, पर क्योंकि इतना मेकअप होता है और इतना आप अलग दिखते हो। अभी भी अगर मैं आपको डरी परी की फोटो दिखाऊं तो आप शायद पहचान भी ना पाओ। हम तो पहचान लेंगे, हम पहचानने में माहिर है, कोई बात नहीं, हम पहचान लेंगे। बट उसके बाद आपने डोली अरमानो की, डोली अरमानो में क्या कैरेक्टर? डोली अरमानो की शो था सीरियस ड्रामा, फुल डेली सोप, एंड वो भी मैंने एक्सप्लोर किया वहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो मैं कर रही हूँ वहाँ पे वो मैं कर सकती हूँ। मैंने वहाँ पे किया कॉमेडी, आई वाज द कॉमेडी रिलीफ ऑफ द शो, एंड आई वाज लिटरली साइंड फॉर 12 to 15 डे अ मंथ। बट दे स्टार्टेड शूटिंग विद मी 25 डेज 30 डेज भी गए, मतलब कंटिन्यू मेरे साथ शूट होता था, क्योंकि जब मेरा कैरेक्टर आया और जैसे जैसे शूट होना स्टार्ट हुआ वैसे लोगों को इतना पसंद आया वो कैरेक्टर कि 25-30 दिन तक मतलब ऐसा हो कि कंटिन्यू मेरे साथ शूट चल रहा है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस, इतना सपोर्ट किया सबने। वहाँ पे मैं सबसे छोटी थी, मैं बहू का कैरेक्टर प्ले कर रही थी वहाँ पे, और मैं तब उस समय बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि क्या कर रही हूँ, पर इतने सीनियर एक्टर्स सबके साथ काम किया सबने, सबने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया कि ये है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैं जब एक्ट करती थी तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो थोड़ा डम था, मतलब शी वॉज प्योर हार्ट एकदम, इट एक्चुअली हेल्प, मतलब वो कैरेक्टर की वजह से हेल्प हो गया ना, मतलब बट वो फुल डम थी, मतलब डम, इतना डम कि ना उसकी सास बोलती है कि तेरे को पति को पटाना है ना तो तुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा, तो शी लिटरली वो पूरा घर पापड़ों से भर देती है, प्रॉपर कॉमिक, हाँ प्रॉपर प्रॉपर, तो वैसे था। तो वो हद से ज़्यादा डम थी, तो ऐसा हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा कैरेक्टर में हो गई थी कि मेरे को एक्टर्स बोलते थे कि अभी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर तू, थोड़ा कट के बाद भी तू ऐसा लगता है कि आशा में ही है। आपको क्या लगता है मुझे लाइफ में और रील में राइट डिसीजन राइट टाइम में लेते हो या फिर एक्सपीरियंस तजुर्बा के साथ आप जाते हो? मतलब अभी तो आ गया है उतना एक्सपीरियंस कि मतलब हाँ, छोटे छोटे डिसीजंस तो आई थिंक मैं सही से ले लेती हूँ, बट बड़े डिसीजंस जो हैं उनका ऐसा है कि अब मुझे पता है कि अगर मैं नहीं ले पाऊँगी तो आई टेक माई टाइम। मैं कुछ बोलने के पहले मैं ये बोलती हूँ कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, हाँ मैं आपको बताती हूँ थोड़ा कल सुबह तक, एंड देन आई विल टॉक टू माई पीपल एंड देन डिसाइड। माई पीपल में कौन कौन आपको लगता है कि ए बंदा या फिर मामा या कोई भी हो जो सबसे खास है हर डिसीजन मेकिंग में? आपको जब डाउट होता है, अगर डाउट नहीं है आपने डिसीजन ले ली हाँ। तो बहुत बार होता है कि डिसीजन ले ली फिर भी आपको कन्वे करना है, तो आप कन्वे करते हो या फिर वापस पूछते हो मैं ऐसा करूँ क्या, पूछते हो या मैं करने वाला हूँ बोलती हो? नहीं, मैं तो बताती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, बट ये होता है कि कई बार मेरे डिसीजन जो है 95% टाइम सही होते, बट 5% टाइम्स जब गलत होते तो मुझे सामने से फिर वो बैकलैग आ जाता है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, मतलब ये तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कर रही हो, तो ये मत करो। तो मैं थोड़ा सा फेस वैल्यू पे ले लेती हूं। ऐसा कुछ इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हो? तो मैंने कुछ डिसाइड किया था, जैसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्टेंट मैंने सोचा था कि ये मुझे करना है, विच आई डिसाइडेड एंड आई टोल्ड माई पीपल दैट आई एम starting this type of content now. They're like, no, no, you cannot do this. फिर किया? नहीं किया। करने वाले हो? नहीं, नहीं, क्योंकि मुझे फिर ये भी समझ में आ जाता है कि अगर मेरे जो 4 लोग हैं वो सभी मना कर रहे हैं तो फिर कुछ शायद गलत ही होगा। हाँ, अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सब लोगों ने मना करी थी फिर भी मैंने करी। Leaving my acting TV career and starting social media. ये इसके लिए सब लोगों ने मुझे मना किया था। लाइक व्हाट इज सोशल मीडिया, क्या है, वीडियोस बनाने में क्या होएगा? एवरीवन सेड लाइक, हाँ एक थोड़ी मेरी मदर थी जिनको ये था कि अच्छा ठीक है बेटा तेरे को मजा आ रहा है, बट अच्छा डिसीजन था, हाँ बहुत ही अच्छा डिसीजन था, हाँ मतलब आज राइट नाउ येस थैंकफुली कि अच्छा डिसीजन था, बट मेरा ये था कि नहीं यार आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे ये था कि जब आई स्टार्टेड डूइंग सोशल मीडिया, बहुत ही छोटे मोटे ऐसा कोई सॉन्ग प्रमोशन आ गया या कुछ आ गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा पैसा तो चाहिए, थोड़ा नहीं पैसे चाहिए, हाँ, हाँ, मिलेंगे तो मेहनत करते रहेंगे मतलब तो। वो मेरा एम नहीं था कि ऑटोमेटिक, हाँ मतलब एम नहीं था, बट ये था कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि ये करियर को सस्टेन ही ना कर पाऊँ, थोड़ा तो कुछ होना चाहिए। सो जब मैं ये प्रपोजल लेके गई कि आई एम नॉट डूइंग एनी अदर शो नाउ एंड आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वीडियोस एट दैट टाइम, 4 लोगों ने बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई लाइक माय डैड तो वाज लाइक पागल है क्या, 5 साल इतना तूने करियर बनाया, इतना मेहनत किया, नाउ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर कॉलिंग यू लाइक दे वांट यू इन देयर शो। फाइनली जब पेबैक का टाइम आ रहा है, नाउ यू आर सेइंग नहीं आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, तो ये बहुत ही तू पागलपंती कर रही है। बट देन नो आई डिसाइडेड कि नहीं मुझे यही करना है, बिकॉज मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है। लाइक कि इसमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि पहली बार मुझे किसी मॉल में किसी ने बोला अरे समीक्षा जा रही है, तो अभी तक मुझे रिकॉग्नाइज करते थे अरे आशा, अरे डरी परी, अरे ये आशा इज डोली, हाँ डोली, तो जो भी मेरे कैरेक्टर्स रहे हो तो उस नाम से मुझे रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। तो जब पहली बार मुझे किसी ने बोला समीक्षा जा रही है क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने कहा यार ये चाहिए। और वो कंटेंट आप लिखते हो या फिर आप लिखवाते हो और आपका आइडियाज कैसे आते हैं? अभी तक तो मैं खुद ही लिखती हूँ, पर इट इज वेरी हार्ड। यू नो कंटेंट क्रिएटर्स जो फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग हैं, बट उनको कोई कैसे, हाउ डिड इट स्टार्ट? मेरे हिसाब से अगर आपको कोई कंटेंट करना है ना, तो सबसे पहले मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि पहले कंटेंट कंज्यूम करना चालू करो। मतलब अभी कोई अगर मेरे साथ जैसे काम भी करते हैं या कोई भी कंटेंट क्रिएटर मेरे पास आता है और स्टोरी लेके, तो मैं बोलती हूँ कि यार कंटेंट बहुत अच्छा है, पर दिक्कत पता है क्या है कि ये अभी ट्रेंड में नहीं है। हमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग विच इज़ इन ट्रेंड। सोशल मीडिया सिर्फ 10 दिन की कहानी है। आज 10 दिन के लिए ये ट्रेंड में है, फिर 10 दिन के लिए ये ट्रेंड में है, फिर 10 दिन के लिए कुछ और ट्रेंड में होगा। अगर आपने आज तौबा तौबा का वीडियो नहीं बनाया, मैं अभी मन पे वही बोलना था, वही डांस स्टेप चल रहा है, वही अगर आज आपने तौबा तौबा नहीं बनाया तो 15 दिन बाद वो वीडियो का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। अभी आप बोल रहे थे ना जो पहला कंटेंट क्रिएशन वगैरह बारे में, बट मुझे लग रहा है उससे पहले आपने डब स्मैश में किए थे। हाँ, शुरुआत मुझे लग रहा है डब स्मैश में होता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत चलता था। आपको याद है आपने क्या किया था? कुछ हाँ गाने में किया था, वो उनका गाना था ना, बजने दे धड़क धड़क, हमने भी परफॉर्म किया था। हाँ एक्चुअली देखो वो अभी लड़कों का गाना है, ठीक है? तो मेरे साथ यही था कि जैसे अभी भी जैसे लोग जो हैं बहुत ही इमेज कॉन्शियस हैं, और ये और उस टाइम पे शायद उतना सोशल मीडिया था नहीं, और मैं तो कभी भी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस नहीं रही। अगर मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे करना है। तो मैंने वो कैसे किया था, ऐसा लाल टीका लगा के और ऐसा बांध के सर पे, एंड मैंने उसके ऊपर डांस किया। वो भी मेरी वैनिटी में किया था मैंने, आई थिंक। कौन सी शूट चल रहा था? डोली, शायद बालवीर और डोली ना साइमल्टेनियसली चल रहा था मेरा। ओके हाँ, तो मेरा ऐसा था, और एक में एक पे ऐसा। हाँ तो मैंने ऐसा था, मेरे हेयर स्टाइल भी सेम रखा था दोनों में। बहुत मेहनत। मैंने एक दिन में दोनों जगह भी शूट किया, ऐसे भी किया कि बालवीर किया, फिर डोली किया, फिर वापस जाके बालवीर किया, ऐसे भी किया है मैंने शूट। यार तो मैं अभी तक जितना सुना हूं ना, आई थिंक शी इज दैट पर्सन हु डजंट रियली मैटर, हु डजंट रियली, ही जस्ट बिलीव्स इन वर्क। तो आप लोगों को भी यही बोलूंगा यार, 2-3 साल मेहनत किया। उससे पहले भी उन्होंने जो हिट हुआ उनका पहला एपिसोड, पहला शो, उसके बाद भी स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, हार्डवर्क किया बहुत ज़्यादा। मम्मा के साथ जैसे इन्होंने स्टोरी सुनाया, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू जस्ट कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड बिलीविंग इन योर ड्रीम्स। बट बिलीविंग इन ड्रीम्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल एंड अचीव इट, एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। एंड जब डिसीजन मेकिंग होता है ना, रिग्रेट नहीं करना चाहिए। वो डिसीजन मेकिंग में अगर खुद को वो एक डिसीजन लिया, और आई थिंक शी इज अ परफेक्ट एग्जांपल। हाँ मतलब तो यू आर हार्डली केयर्ड, दिस इज माय डिसीजन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। या मतलब सोशल मीडिया वाला एक चीज ऐसा था, लिटरली ये इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। मतलब ये इधर जा सकता है, इतना बूम हो जाएगा, ये सब प्लान है को बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं था। प्लान ए प्लान बी था, नो प्लान बी। मैं शो में ना हमेशा बोलते हैं देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी, प्लान ए में पूरे एफर्ट दो। करेक्ट, दिस इज माय लाइफ मोटो। थैंक यू फॉर कमिंग टू व्हाई नॉट यू। मतलब व्हाई नॉट यू का मेन थियरी इज दैट नो प्लान बी, प्लान ए में पूरे एफर्ट दो एंड बिलीव करो कि वर्क होना ही होना है। क्योंकि अगर आप मान के चल रहे हो, अगर आप बैक ऑफ द माइंड सोच के चल रहे हो कि मेरा अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगी, ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगी, तो आप कहीं ना कहीं मतलब ये सोच के ही चल रहे हो कि आपने पूरा एफर्ट डाला ही नहीं उसमें। मतलब ये इट्स लाइक कहते ना वॉर में मरने मिटने जैसी सिचुएशन है, करना ही है, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू डू इट। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली देयर विल बी ब्लॉक्स, ऐसे लगेंगे, कभी-कभी ब्लॉक्स आएंगे। तो व्हाट इज द माइंडसेट? क्या आप खुद को क्या बोलते हो करना ही? मतलब कौन है जो आपको बोलता है कि नहीं नहीं यार टिके रहो, या फिर खुद बोलते हो? मतलब ऐसा है कि आज की डेट में अगर मैं 99% मेरी सक्सेस का क्रेडिट अगर एक इंसान को दूंगी तो वो मेरी मदर है, क्योंकि वो मेरे साथ थी। और अगर आज की डेट में कोई एक्टर, जब कोई कहीं और सिटी से कोई यहाँ मुंबई आने की बात करता है और ये बोलता है ना कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं बोलती हूँ कि भाई प्लीज़ घर से सपोर्ट लेके आना प्लीज़, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो बात करने के लिए। हाँ, बात करने के लिए, शेयर करने, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब 2 साल तक मैं यहाँ मुंबई में बैठी हूँ, मैंने रोटी खाई है, मेरे सर पे छत थी, दैट वाज बिकॉज मेरे डैड मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, नहीं तो नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। मतलब मैंने भी बस में भी ट्रैवल किया है, हम लोकल्स में भी ट्रैवल किया है। हाँ, हम सब, और बहुत कोई फोर्टनाइट स्टार नहीं होता ना, बहुत मेहनत करते हैं, सिर्फ वो अवार्ड मिलता है तो बोलते ओ यार ये बंदा तो लकी है, इसलिए क्योंकि बहुत मेहनत की है। और मामा पापा की तो यार मामा पापा को भी प्रणाम। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि मेरे जैसे पेरेंट्स हैं अगर सबको मिले ना, अगर हर बच्चे को, तो हर बच्चा जो है वो कर सकता है कुछ लाइफ में। क्योंकि मेरी जो मॉम है वो मेरी होम मिनिस्टर है और मेरे डैड जो है वो मेरे फाइनेंस मिनिस्टर है। तो वो अच्छा डायनामिक एक्चुअली, पापा है फाइनेंस मिनिस्टर, मम्मा है होम मिनिस्टर। जो भी डिसीजन घर पे होगा मम्मा लेंगे, मम्मी लेंगी फाइनेंशियल डिसीजन, कोई भी है पापा। वाओ यार दैट्स अ गुड वन। क्योंकि आई वाज अ साइंस स्टूडेंट और ना पता नहीं लकीली मेरा डॉक्टरी में हो भी गया, मैंने वो थर्ड लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया एंड अ वेरी रेप्यूटेड दिस यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की, और काफ़ी रेप्यूटेड थी वो उस टाइम पे। थर्ड लिस्ट में मेरा नाम है, तो मैं तो चाह रही थी बिल्कुल ना आए, मुझे नहीं करना, बट थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आ गया एंड माय डैड लाइक प्लीज कर ले, प्लीज कर ले, प्लीज आई वांटेड टू बी डॉक्टर, प्लीज कर ले। तो ये मेरे डैड तो नहीं मान रहे थे, थैंकफुली मेरी मॉम ने उनको कन्विंस किया कि नहीं नहीं बेटी जो करना चाहती है हम उसको, हाँ वो इसलिए होम मिनिस्टर क्योंकि मेरी मॉम जो डिसीजन लेती है वो मॉम को पटाना रहता है, बाकी फिर सब हो जाता है। हाँ वो हर घर पे वैसे ही है, अगर मम्मा ने अलाउ किया तो पापा ऑटोमेटिकली मान जाता है, एग्री कर देता है। क्योंकि हाँ, पर ज़्यादातर मॉम्स जो है ना काफ़ी सेफ साइड रहते हैं कि अरे डॉक्टर बन जाएगी, ठीक है ये एक्टिंग में जाना, ये करना है, काफ़ी रिस्की चीज़ था। बट स्टिल मेरी मॉम ने, और विद नो बैकग्राउंड, मी आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, दिल्ली से मुंबई का कोई दूर दूर तक, एक बारी बचपन में मुंबई घूमने आए थे, बाकी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, किसी को कुछ नहीं जानते, नथिंग एट ऑल। और किया पेरेंट्स ने सपोर्ट, तो आए यहाँ पे तो फैमिली के एक जगह पे और फ्रेंडशिप एक साइड पे, एक साइड तो ब्लड रिलेशनशिप आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ। और फ्रेंडशिप्स में वो फैमिली वाला कितने लोग हैं, मतलब जिसको आपको लगता है कि this person, girl, boy, doesn't matter, who was the closest to you or who is the closest to you? Very limited, very limited. मेरे बहुत मुश्किल ही दोस्त बने हैं, हाँ बहुत मुश्किल ही दोस्त बने हैं मेरे, और मेरे से लोग बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। बहुत लोग रिलेशनशिप्स मेरे ख़राब हो गए, मेरे जो अच्छे दोस्त थे वो नहीं रहे बिकॉज टाइम मैं नहीं दे पाती, क्योंकि तो, मुझे इतना काम इतना है। तो दे शुड रेस्पेक्ट दैट नो। देयर सम फ्रेंड्स जो स्टिक कर गए, जो ये मेरी सिचुएशन को समझे कि यार मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना मेहनत करना था और मैंने किया, तो वो है एक दो फ्रेंड्स हैं तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड्स रहे, और उन्होंने मतलब वो टाइम रहा है जो 2-2.5 साल ऐसा, क्योंकि वो बहुत क्रूशल टाइम था मेरे करियर का, कि मैं अपना मेंटल स्ट्रेस और उस सब के साथ भी साथ ही साथ डील कर रही थी, और साथ ही साथ मुझे ये भी करना था कि मुझे फुल अपने करियर फोकस्ड ऑन द करियर रादर देन, यस वेरी गुड, सो मुझे करना ही था उस टाइम पे। तो मेरा ऐसा था कि नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, नो पार्टीज, नथिंग, जस्ट फोकस ऑन वर्क। तो मैं आज भी मैं किसी पार्टी में नहीं जाती। बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है 2004 में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी मुझे बाहर कर दिया था क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो मैंने खुद डिसाइड किया था कि 2004 से 2005 तो 2 साल रखा था, बाई 2006 दिसंबर मुझे इंडिया खेलना ही खेलना है। मैं केरला टीम में भी नहीं था। 2004 दिसंबर क्रिसमस गिफ्ट दिया था केरला ने कि आपको ड्रॉप कर दिया था, मतलब मुझे ड्रॉप किया था। तो मैंने डिसाइड किया था भाई, मैंने लिखा था एक बुक में कि 24 दिसंबर को लिखा था कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों टारगेट हो रहा है, मैं डिसर्व करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। 2007 वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है, 2006 से पहले इंडिया खेलूंगा। और मैंने बोला था नो पार्टीज, नो अनवांटेड, इवन अनवांटेड कॉन्वर्सेशन, नो फोन कॉल्स एक्सेप्ट माय मॉम डैड siblings, correct. I had nobody. I used to just get up. तो यार बहुत बड़ी बात बोली, क्योंकि बहुत लोग को जानना चाहते हैं कि ब्लूप्रिंट टू सक्सेस क्या होता है। क्योंकि आजकल लगता है कि you need to be out there to be seen, to be seen only then you get sold or whatever. Maybe that is true also. I don't know. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना लिमिटेड ही टाइम है, या तो आप वो टाइम ये सोचने में लगा लो कि अच्छा आज मुझे पार्टी में जाना है, मैं क्या पहनूँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि खड़े हुए और चल दिए, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ में। सो इससे बेटर, जब मुझे कोई बोलता है ना यार ये मेरी पार्टी में आ रहा है, मैंने कहा यार इस चीज़ इतने टाइम में मेरी 4-5 वीडियोस निकल जाएंगी यार, मैं वो कर लेती हूँ। मतलब तेरी पार्टी में मैं नहीं आई तो तुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मेरा कॉन्टेंट नहीं लिखा तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं अपने ऊपर जो है वो टाइम, और ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए नहीं है, वो एक्सक्लूसिव है। कहीं ऐसा हो कि कोई फंक्शन में गए आप, हाँ, और इतना बोरिंग था कि आप चल पड़े एक रूम में या कोई कॉर्नर पे गया, टेरेस के साइड में गया और कंटेंट क्रिएट किया? हाँ बहुत बार हुआ है। बहुत बार। तो ऐसा एक कोई शेयर कर सकते हो आप कोई कंटेंट? ज्यादातर मेरे साथ शादियों में बहुत हुआ है ये। एक बार तो मैंने शादी में कंटेंट क्रिएट किया था, सपोजली वो मेरी एक फ्रेंड ही थी जिनकी शादी में मैं गई थी। हाँ। और वो कंटेंट मैंने वहाँ क्रिएट किया बिकॉज बोर तो मैंने I'll reframe the question, बोर नहीं हो रहा था। हाँ। उनको लग रहा था कि थोड़ा और टाइम है मेरे पास। हाँ, करेक्ट। तो मैंने वहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो आई शी डिडंट लाइक इट एंड शी मेड मी डिलीट दैट वीडियो फ्रॉम सोशल मीडिया। वो एक अलग बात है। तो लोड हो जाएगा वापस? नहीं, मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे, हाँ वही, मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के कर देती हूँ। मैंने कर दिया, मैंने कहा यार मुझे दोस्ती इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीवन्स पर्सनल स्पेस। मैं उसका है, उसको लग रहा है ठीक है, कल को मुझे लगेगा कुछ, अगर मुझे गलत लगता है तो मैं भी सामने वाले को बोलती हूँ एंड देन आई एक्सपेक्ट कि वो करे। अब अगर वो चीज़ मैं ही नहीं कर रही तो उसके लिए एक्सपेक्ट करना भी डिफिकल्ट है। ऐसे सिचुएशन में इफ दे आर talking badly or misbehaving badly or whatever, misbehaving और बातें कर रहा है, तो ऐसा कोई सिचुएशन है जिधर आपने बोला इसका तो मैं ना, ऐसा? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हुई हैं कई बार कि ऐसा कोई कुछ बोल रहा है या फिर किसी ने कुछ ऐसा वीडियो बनाया है, कुछ किया है और मुझे ऐसा लोग ला के दिखाते हैं ना, या किसी ने टीम में आके बोला कि यार ये बनाया है, आपने देख लिया, ठीक है अभी हटा दो, मुझे नहीं देखना। मुझे दिखाओ भी मत, क्योंकि आप दिखाओगे मैं उसके बारे में सोचूंगी, फिर मैं कुछ नेगेटिव थॉट लेकर आऊंगी, मुझे दिखाओ भी मत। कंटेंट बना के रिप्लाई दिया हुआ है कभी? नहीं, कभी नहीं। मैंने कहा मेरा काम जवाब देगा, मैं अपना काम के ऊपर फोकस कर रही हूँ ना। विराट कोहली बल्ला बोलेगा। हाँ, मेरा काम जवाब देगा, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल एक ये है कि जब मैं एक्टिंग करती थी तो मैं साथ में वीडियोस भी बनाती थी, जैसे डब स्मैश सब स्टार्ट हो गया था, तो मेरे जो को एक्टर्स थे ना वो मेरे ऊपर बड़े हंसते थे, क्या करती रहती है फ़ोन के सामने सेल्फी लगा के, ऐसे मुँह बनाती रहेगी, डांस करती रहेगी, क्या? क्योंकि उस टाइम किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, और वो लोग मेरे ऊपर बड़ा हंसते थे। तो ठीक है, ओके, मैं जाके बताती थी अब डायरेक्टर को। डायरेक्टर मेरा जो थे वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने देखा देखो मैंने ये वीडियो, और उनको इंटरेस्ट आता था कि यार ये लड़की जो है लगाओ लोगों के खुद ही कर लेती है, तो उनको इंटरेस्ट, तो वो देखते थे। क्योंकि रील बनाना और कंटेंट क्रिएटर, यू आर ऑटोमेटिकली डायरेक्टर आल्सो, करेक्ट, यू आर अ डायरेक्टर, एक्टर, एडिटर। हाँ, और वो मुझे सजेशंस भी देते थे, तो फिर हम दोनों का जमता था। तो और एक्टर्स लोगों को और भी प्रॉब्लम होती थी कि अरे ये पता नहीं क्या कर रही है, तो हंसते थे सब लोग मेरे ऊपर, मतलब लिटरली लेजेंड हंसते थे। और गॉसिप, जैसे लंच टाइम में गॉसिप होती थी, तो मैं लंच टाइम में उनके साथ बैठती भी नहीं थी, मैं आके अपना वीडियोस बना लेती या कुछ करती थी। अब उसका जवाब ये है कि आज की डेट में वो मुझसे पूछते कि यार बता दे यार कैसे बनाते हैं कंटेंट। अभी मैं बोलती हूँ नहीं, अभी टाइम नहीं। आप हेल्प करते हो वैसे? अगर जो उस टाइम पे थोड़े बहुत भी जेन्युइन थे उनकी कर देती हूँ, और बाकी की नहीं करती। मेरे टाइम बहुत वैल्यूएबल है। टाइम इज मनी। यस, मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, हर किसी को नहीं दे सकती। अब मैं जैसे कहीं बैठी हूँ, किसी पार्टी में भी हूँ ना, तो मुझे कोई बोल रहा तो वो बड़ी शांत है, यार मैं शांत नहीं हूँ, मैं यहाँ सारे लोगों को देख रही हूँ, ये मेरे कंटेंट है, ये कल बनने वाला है। वाओ। तो ये मेरा एक मोटिव जो है बाहर जाने का ये भी होता था। और एक कंटेंट क्रिएशन की जो दुनिया है, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? सबसे पहला अगर आप बोलोगे तो मैं खुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ साथ समीक्षा के साथ साथ एक पैरेलल समीक्षा चलती है जो उसको बताती है कि अच्छा ये करना है, ये नहीं करना है, ये किया जा सकता है। सो मेरी खुद के साथ कॉन्वर्सेशन, पर वो डरी हुई परी नहीं है, कॉन्फिडेंट है। yes. हाँ, वो कॉन्फिडेंट है और वो उसी से ही मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे इंस्पिरेशन कौन है, तो वो मेरी इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि वो एक परफेक्ट है, शी इज़ आइडल, वो बिल्कुल सब सही करती है, मैं नहीं करती, वो सब सही करती है। तो वो मुझे सही बताती भी है, जो कई बार मैं फॉलो भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो मेरा खुद का भी तो कुछ दिमाग है ना, कई बार गलत भी कर देती हूँ चीज़ें, बट वो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो हर दिन वो भी चेंज होती रहती, हर दिन मैं भी चेंज होती रहती, बिकॉज विद एवरी डे शी इज़ गेटिंग मोर परफेक्ट, और मैं भी उसकी तरफ बढ़ना चाह रही हूँ। तो मेरा है कि बस किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हर दिन अपना ही लेवल बढ़ाना है, कि खुद से ही कंपटीशन है हर दिन, आज मैं कुछ और कुछ कल से बेटर कर सकूं। अब कंटेंट क्रिएशन में भी अगर आप देखो, मेरा कंटेंट जब मैंने चालू किया था कंटेंट, उस टाइम पे कंटेंट कुछ और था, आज के टाइम में मैं कंटेंट कुछ और कर रही हूँ, बिकॉज अगर 10 दिन में ट्रेंड बदल रहे हैं तो कुछ सालों में बिल्कुल कंटेंट टाइप भी बदल जाता है। पहले जो लोग देख रहे थे अब वो लोग नहीं देख रहे। यार मैं ना पहले ऐसे बैठता हूँ, क्योंकि कभी किसी को भी डर रहता है ना, हम ऐसे बैठते हैं क्योंकि डर लगता है, फिर सीधा देखने को डर लगता है। नहीं तो आपने वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला सीन था ना आपका, Fear Files तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ा मज़ा आया था, ठीक है। जो एक्चुअली जो होता है वो देखने में और करने में जो है चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। Fear Files मतलब it was crazy show। जो मेरा वाला एपिसोड था ना उसमें ऐसा था कि इट वाज अ जंपिंग भूत तो ना एक बारी किसी के ऊपर है, एक बारी किसी के ऊपर है, तो उसमें जब बीच में मेरे ऊपर आता है वो, तो आई रिमेम्बर व्हाट हैपेंड। जो बेड रहता है ना, बेड के ऐसे साइड्स में जो है वो पुराने वाले जो बेड रहते हैं, साइड में जो है वुड रहती है, वुड के ऊपर उन्होंने मुझे लटका दिया था और ऐसे मेरे पैर ऐसे होते ना उधर अटका दिए थे वुड पे, और मैं लटकी हुई थी और डायरेक्टर ने खुद मेरे पैर पकड़े हुए थे। मुझे ये याद है कि जब मैं ऐसे हंस रही थी ना जोर जोर से, सर ने बोला बस 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 ऐसे हंसना सुरक्षा, ऐसे ही टेक में एक बार वो सुना कैमरा में देख के ऐसे हंसा था। और जो सपोजली मेरा बॉयफ्रेंड था उसमें वो बहुत डर गया था मुझे देख के। बाद ये सीन था कि ऐसा मैं अलमीरा के ऊपर ऐसे बैठी हुई हूँ और हाँ ऐसे करके और उसके ऊपर छलांग मारती हूँ। वाओ, एक्सोर्सिज्म लाइक प्रॉपर। तो आप लाइफ में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी आप विश्वास करते हो उसमें पैरानॉर्मल की ऐसा होता है कि स्पिरिट्स है लेफ्ट राइट? मैंने एक्चुअली फील नहीं किया अभी तक ऐसा कुछ, यानी दोस्त लोगों को स्टोरीज पर हाँ स्टोरी सुने और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डेफिनेटली होता होगा शायद कुछ। ऐसा कोई बंदा है जो आपसे बहुत डरता है? डर मतलब ऐसे भाग गया यार भाग जाओ मतलब एक कोई इंसिडेंट हुआ था बिग बॉस हाउस में, करेक्ट? हाँ अभी तो व्हाट वाज, इफ यू कैन शेयर, पुट सम लाइट इनटू द डार्कनेस। बहुत ही बकवास और वाहिया चीज़ हुई है वो, ठीक है। मेरा दोस्त है, मेरा को कंटेंट क्रिएटर, हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं, मतलब 5-6 साल से हम लोग साथ में वीडियोस बना रहे हैं और हाँ और हमारा मतलब एक ग्रुप भी है। तो ही हैज़ एंटर्ड दिस बिग बॉस OTT 3, वो अंदर है बिग बॉस के, और उसके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई है कि एक कंटेस्टेंट ने जो है उसके ऊपर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया उसको। तो अभी आप तो बिग बॉस में रहे हो, आपको पता है कि यू आर सपोज्ड टू बी आउट, या एंड दैट डिडंट हैपन। वो नहीं गया बाहर, कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठाया और वो नहीं गया है, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऐसा हुआ। इसको एक स्पेशल केस दे दिया गया कि सिंस एक्चुअली क्या है कि सपोजली बताया जा रहा है कि जो मेरा दोस्त है उसने सामने वाले पर्सन की बीवी के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया। कौन? जिसने थप्पड़ मारा है, अरमान उनका नाम है। उन्होंने, मेरे फ्रेंड का नाम है विशाल, तो अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा और अरमान अपनी वाइफ के साथ आया अंदर शो में। अभी उसकी भी अलग कहानी है, ही हैज़ 2 वाइफ्स एंड आई डोंट नो हाउ ही इज़ इन बिग बॉस, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसकी 2 बीवियाँ हैं और बोलता है कि दोनों बीवियों के साथ रहता है, दोनों बीवियाँ साथ में खुश हैं। आई डोंट नो व्हाट। वो इंसिडेंट इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ उनकी वाइफ के बारे में, पहले वाइफ या सेकंड वाइफ के बारे में कुछ बोला कि छोटी भाभी मुझे अच्छी लगती है। इस पे जो है बहुत ही जो है वो घुमा फिरा के बोल दिया गया। उसकी फर्स्ट वाइफ आई वीकेंड के वार पे और वो बोल रही हैं कि तुमने बहुत ही गलत नज़रों से उसको देखा, बड़ी गलत वे में चीज़ ये तुमने बोली है कि मुझे छोटी, एक्चुअली तो वर्ड्स वर मुझे भाभी सुंदर लगती है एंड आई एम सेइंग इट इन अ गुड वे, दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स एंड स्टिल इवन डन हिट। हाँ एंड देन वो उसने ऐसा, और वो जो बाहर वाली जो वाइफ है उसकी, उसने इस तरीके से कन्वे किया कि तू बड़ी गंदी ऐसे देख रहा था, ऐसा बोल रहा था, और वो बंदे को शायद गुस्सा आया जो भी है उसने बिना, बट वो अरमान अभी भी अंदर है, वो अभी भी अंदर है। और उसको स्पेशल केस देके कर दिया गया है कि यार अच्छा, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का मामला था और हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि उसकी वाइफ के बारे में कुछ बोला हो, तो उसको स्पेशल केस दे दिया और नहीं निकाला। But the rules should be rules, na? Exactly, the rules should be rules. I think the hype around him is कि he has 2 wives, nothing else. उसका खाली हाइप यही है कि यार लड़के ये बोल रहे हैं यहाँ एक नहीं संभाल रही, तू 2 कहाँ से लेके चल रहा है, तो that is the hype. तो कुछ ऐसा खास नहीं। दोनों वाइफ फाइन है? हाँ, दोनों वाइफ फाइन है, साथ में घर में रहते हैं वो लोग, दोनों के बच्चे हैं। वो दूसरी वाली के बच्चों से भी उतना ही प्यार करती है। ये सब मुझे बिग बॉस में वो आए उसके बाद पता चला है, उसके पहले मैं उनको ना जानती थी ना देखती थी। एंड आई हैव टू फॉलो दिस बिग बॉस बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड। या और ही इज डूइंग वेल। या ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जीतेगा? हाँ, क्योंकि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बिल्कुल जीत सकते हैं। जीतने वाली सारी। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट टू यू। मुझे उसके पीछे की कहानी बताऊं क्या है यार, प्लीज। उसकी मुझे लगता है कि ही मस्ट बी थिंकिंग अभी मैं ऑलरेडी मेरी 2 वाइफ्स हैं, इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी मेरी ऑलरेडी है, इससे और बुरा क्या ही हो जाएगा, मैं थप्पड़ मार भी दूंगा। बट यू कांट, नो यू कांट, द रूल्स ऑफ द गेम आर रूल्स, बट ऑफ कोर्स अभी बेंड हुए हैं रूल्स, अब उसको नहीं निकाला गया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही इज ऑल्सो गिविंग सम टीआरपीस। जब मैंने क्लिप देखी, वो मैंने जब रील पे क्लिप देखी थी कि पूरा उसको विशाल को पकड़ के रख रखा है और ज़रा सा भी उसको मतलब एवरीवन सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो विशाल के पास है, उसको पकड़ रखें। जब उसको पड़ा उसके बाद सारे उसी को ही पकड़ के रखें कि ये रिटेलिएट ना करे, ये ना हाथ उठा दे। हाथ नहीं उठाएंगे, वो कब उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं, हाथ उठाना सच है, वो कब उठाएंगे, कब उठाए, बिल्कुल। अरे गॉड ब्लेस यार, मतलब आपने शेयर किया तो यार फुल सपोर्ट टू हिम। क्या आप बिग बॉस करोगे? अगर बिग बॉस बुलाए तो हाँ, डेफिनेटली। कोई चीज़ अगर आ रही है दस्तक पर तो मैं ऑफकोर्स वो करूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ पर्सन बड़ी अलग हूँ फॉर बिग बॉस में फिट होने के लिए, क्योंकि मुझे उंगली करने से जैसे ज़्यादातर जैसा होता है कि उंगली करने पे गुस्सा आ जाए, मुझे नहीं आता। अगर आपको वाइल्ड कार्ड मिले तो 100% मैं जाऊंगी यार। बिग बॉस वाइल्ड कार्ड लेरो एंट्री मतलब रेडी रखा है, मतलब यू नो एब्सोल्युटली यार, मतलब शी शुड जस्ट एंटर एंड सपोर्ट हिम, मतलब उसे सपोर्ट करने के लिए तो 100%। और जाते ही मैं पहले तो यही काम करूंगी, पहले तू कैसे छुआ मेरे दोस्त को, तू छुआ कैसे, पहले तो तू फिर से थप्पड़ा, मेरा थप्पड़ बहुत जोर की लगेगा नहीं उसको, पर जितना नहीं लगेगा, जितनी भी ताकत से मार सकती हूं। हाथ उठा लो, बाकी वो पूरे घर ले लेंगे। सिर्फ वो घर का स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी है। एनीथिंग यू वांट टू से और शेयर जो आपको लगा कि अभी इस टाइम पे दिस वर्ल्ड नीड्स दैट? मुझे ये मैसेज देना है जो कि काफी इट इज quite loud in market now, but still I want to say this कि आप जितना physical health को आजकल लोग दे रहे हैं उतना ही mental को भी दें, क्योंकि mindset is everything. Yes, it is. Learning this very hard way. ऐसा लगता था कि नहीं अगर आप physically सही हो आप कर लोगे, ये कर लोगे, but नहीं, आपको अपने को अपनी बॉडी प्रिपेयर करने के पहले आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना होता है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। पहले आप माइंड बिलीव करता है कि ये मैं कर सकती हूँ, एंड देन विद एवरी चैलेंजेस यू फेस आपके माइंड फिजिकली बॉडी को रेडी होने के पहले माइंड को रेडी होना पड़ता है कि मैं ये चैलेंजेस को फेस कर पाऊंगी। उसके बाद बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, इवन कंटेंट, हाँ, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको वाई नॉट यू शो में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। बट इससे पहले हम ख़त्म करें, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा, हाँ, तो आपको क्या याद आया? मुझे सूर्य कुमार यादव जब कैच पकड़ा, मैं हॉटस्टार में एक्चुअली कमेंट्री कर रहा था। करेक्ट, आई सॉ दैट। और हम एक शो कर रहा था कॉट एंड बॉल करके, तो हम लोग सारे बैठ के देख रहे थे। और एक्चुअली मैं ऐसा तिरुपति बालाजी, शिवजी, सूर्या, सबको ऐसे पकड़ के दुआ कर रहा था कि कोई तो पकड़े कैच यार। और सूर्या ने ही पकड़ा क्योंकि मैंने पकड़ा था सूर्या को। सूर्या ने ही पकड़ा कैच। और मुझे सिर्फ यार ऑब्वियसली हमारा कैच तो याद आया, सारे बोल रहे थे अभी आज से शायद वो सूर्या का कैच ही याद रखेंगे, मेरा कैच याद रखेंगे नहीं। बट मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला थैंक गॉड यार, पिछले ऑलमोस्ट 17 ईयर से वही, कभी भी T20 वर्ल्ड कप होता है ना, वही मैच शुरू होता है, वही मैच शुरू होता है। हाँ। और 1983 से लेके 2011 तक वो मैच चल रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं हमेशा बोलता था, पिछले 50 और वर्ल्ड कप में मैंने बोला था यार 2011 वर्ल्ड कप जीता, अगर 2023 50 और वर्ल्ड कप जीतेंगे तो ये जो यंगस्टर्स का अगले वर्ल्ड कप में दिखाएंगे। तो मैं इतना खुश हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल, क्योंकि लेगेसी इज यू हैव टू बी कंटिन्यूइंग। तो मुझे लगा कि यार मेरा कैच तो अंडर 13 की लड़के भी कैच कर देते, जो सूर्या ने जो कैच पकड़ा ना, आई थिंक आई विल रेट दैट 100 टाइम्स बेटर और मे बी 1000 टाइम्स बेटर, क्योंकि वो एंगल पे भाग के आके कंट्रोल करके बैलेंस करके कैच पकड़ना। और वो कैच, वो भी हार्दिक का लो फुल टॉस था, इट वाज अ 6, मगर हार्दिक का भी लाइफ चेंज हुआ वो कैच से, पूरी टीम का लाइफ चेंज हुआ, पूरी और जो सेलिब्रेशन हमने देखा। हाँ। मैं जो इंडिया जब वापस आए 2007 वर्ल्ड कप में भी हमें एक्सपीरियंस मिले, वही एक्सपीरियंस सारे क्रिकेटर्स को मिला। आई थिंक वो सब हुआ वो कैच की वजह से और हार्दिक की जो लास्ट ओवर की वजह से। वो कैच अगर नहीं होता और 6 होता तो चेंज होता, पूरा बहुत कुछ चेंज होता। बट भगवान का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच यार। और वाई नॉट यू में आने के लिए आई थिंक वी आर जेन्युइनली ग्रेटफुल द एंटायर टीम। And I wish you all the very best. जैसे आप हो bubbly and energetic, may all your dreams come true and keep working hard. और आपका सोच brilliant है क्योंकि हमारे शो के लिए भी जब आप आए, whatever you spoke to us makes a lot of sense to us. We learned a lot. I genuinely hope. Sir, I learned a lot from you. No, but genuinely, I just wish you all the very best. God bless you and keep rocking. And if she can, you can. And why not you? We all can.